गर्नेरो अनबॉक्सिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज जब वो अनबॉक्स करने वाले हैं ये गर्नेरो का यूनिवर्सल वर्जन, जब वो आपको गर्नेरो का मिल जाता है एक माइक सिस्टम का। और ये मैंने अभी तक चेक किया तो अच्छी कंपनियों के नाम में और सबसे सस्ते वाला प्रोडक्ट ये जो वो मेरे को मिला, तो मैंने इसको परचेज कर लिया। इसके तीन वर्जन आते हैं, मैं आपको इस तरफ दिखा दूंगा अगर आप देखना चाहें तो। इसके तीन वर्जन आते हैं, एक यूनिवर्सल चैनल वाला आता है जिसका 2500 रुपये की लगभग प्राइस रहता है, और जो एक है जिसके अंदर सिर्फ एंड्रॉयड वाले ही आपको कनेक्शंस मिलते हैं, तो वो आपको मिल जाता है 2300-2400 रुपये की रेंज में। और एक जो होता है जिसके अंदर सिर्फ माइक एक होता एक रहता है और एक रिसीवर रहता है, तो उसको बोलते हैं सिंगल चैनल यूनिवर्सल वर्जन, तो वो आपको मिल जाता है 1700-1800 रुपये की रेंज में। तो परचेज करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला तो अभी रिव्यू पूरा देख लीजिए, चेकआउट देख लीजिए, प्रोडक्ट कैसा है वो देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, एक घंटे दबा दो। मैंने जब वो भूमिका में ही 1 मिनट खा लिया आपकी, तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। देख सकते हैं आप लोग ये पैकेज है, चेकआउट करना चाहें तो इसके पीछे डिटेल्स दी गई है, वो चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस आपको मैंने बता दिया, यूनिवर्सल वाला है, 2500 रुपये के लगभग मिल जाता है आपको। और जैसे ही ओपन करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको इसकी वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल्स और बाकी चीजें मिल जाती हैं। आप चेकआउट करना चाहें तो वो डिटेल्स जो वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सामने लिखा रखा मिल जाता है आपको गर्नेरो का ये एक केस। सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे को कि ये माइक काफी अच्छे केस के अंदर आता है, छोटा सा केस है हाथ के अंदर, इस तरह से इतने में आ जाता है, इतना सा एक केस है इसका मिल जाता है आपको। और इसके साथ में एक छोटी सी पैकेज और मिल रही है, उसके अंदर क्या क्या मिलता है वो चीजें भी आपको दिखा देते हैं। और इसके अंदर मतलब आपको कनेक्शंस करने के लिए काफी सारे और प्रोडक्ट जो वो आपको मिल जाएंगे। तो मैं फटाफट इसको ओपन करता हूँ पैकेज को, और सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर आपको मिल जाती है एक ये केबल, चार्जिंग करने के लिए आपको एक ड्यूअल केबल मिल जाती है, जिसके अंदर एक तरफ जो वो माइक्रो यूएसबी है और एक तरफ में टाइप सी, जो वो आपको दो एक साथ मिल जाते हैं। साथ में एक कनेक्टर मिल जाता है आपको, देखिए टाइप सी से आपको जो वो 3.5 mm जैक वाला माइक का ऑप्शन लगाने के लिए, लेवलियर माइक आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं उसके अंदर। और आपको देखिए एक लाइटनिंग जो वो आपको मिल जाता है, ये लाइटनिंग यानी आप अपना यूज़ कर सकते हैं आईफोन वगैरह में, और इसको आप बन जाता है ये टाइप सी का। और यहाँ पर जो वो मिल जाता है साथ में एक और मिल जाता है टाइप सी आपको 3.5 mm जैक वाला ही। तो फटाफट इसको ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं ये आखिर चीज जो वो इसके अंदर क्या है। देखिए जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पर जो ये तीन डिवाइसेस रखी हुई मिल जाती है, ये दो माइक्रोफोन्स हैं और ये एक डिवाइस है जो आपको फोन में लगानी होगी। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है, यहाँ पर टाइप सी का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप इसको टाइप सी को यहाँ पर लगाएंगे तो आप इसके अंदर से माइक लगा करके सुन सॉरी हेडफोन लगा करके सुन सकते हैं कि आपकी ऑडियो जो है इस समय कैसी आ रही है। तो ये तरीका है इसका, ऑडियो लगाइए और सुन लीजिए, ये सीधा लग जाएगा आपके फोन में। ये रिसीवर है आपके टाइप सी वाले फोन के अंदर जो वो डायरेक्टली लग जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये डायरेक्टली लग जाता है आपके टाइप सी वाले में। अगर आप एप्पल में लगा रहे हैं तो यहाँ पर ये कनेक्शंस करने के लिए दिया गया है, इसको लगाइए और यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने देखा कि काफी अच्छा दिया गया, और लास्ट में जाके एक ऐसी क्लिक की साउंड आती है। देखिए आपको रिसीवर को लगाना है, तो जैसे ही आप अपने इसका फोन के अंदर लगाएंगे, आप देखिए यहाँ पर लाइट्स ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। दोनों रिसीवर लगे होंगे तो दो लाइट्स ब्लिंक करेंगी, वरना एक ऑन है तो एक जो वो आपका कनेक्शन के लिए करने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो वो है डिवाइस, इसके अंदर अब चार्ज हो रहा है, तो ये चार्जिंग के लिए दिखाता है। जैसे ऑन करते हैं आप इसको, चार्जिंग यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है टाइप सी का, और जो वो ये स्लीक सा दिया गया है, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो फील नहीं कराता ये, लेकिन ठीक है ये प्रोडक्ट जिस प्राइस में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये है, निकाल लेते हैं हम लोग एक माइक, और ये देखिए TX और RX, राइट और लेफ्ट और इतने कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये देखिए ये है आपका वो वायरलेस माइक, आप देख सकते हैं एक बार के लिए कितना छोटा सा है मेरे भाई, ये जो माइक्रोफोन है ना ये बहुत ही छोटा सा है। यहाँ पर आपको देखो लिखा गया है वायरलेस है ये, और यहाँ पर एक क्लिप भी दी गई है इसके साथ में जो आप क्लिप कर सकते हो आप इसको, और यहाँ पर ग्रेनेरो की ब्रांडिंग भी दी गई है। इस ब्रांडिंग को तो मैं जब वो ब्लैक मार्कर से मिटाने वाला हूँ, क्योंकि यार ये यहाँ पर लगाया होता है तो ये ग्रेनेरो चमकता रहता है अलग से। और ये देख सकते हैं आप लोग माइक्रोफोन की यहाँ पर ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है, और ये इंडिकेटर है यहाँ पर, जैसे ही इस बटन को दबा करके आप इसको ऑन करेंगे, एक बटन दिया गया है इस तरफ में। और यहाँ पर आप देखिए सबसे अच्छी बात, ये देखिए नीचे की तरफ ये चार्जिंग है, ये तो है इसके
आपके जो ये आपका चार्जिंग केस है, देखिए इसमें भी चार्जिंग पावर है, ये काफ़ी देर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं अपने इस माइक्रोफोन को, जब भी यूज़ में ना हो इसको आप चार्जिंग लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पर इस साइड में आपको एक टाइप सी वाला भी चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, यानी ये केबल है, तो आप दोनों अपने इन माइक्स को अलग से भी जो वो चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये ग्रिल दी गई है और ये लाइट दी गई है, और इस बटन को जैसे ही आप दबा करके रखते हैं, यहाँ पर इस तरफ देखेंगे ना आप, एक बटन दिया गया है, जैसे इसको दबा करके रखेंगे ये हो जाता है आपका ऑन। तो ये देखिए जनाब, ये हो गया है आपका ऑन अभी माइक्रोफोन। तो मैं इसको लगाता हूँ, क्लिप करता हूँ अपने यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे से क्लिप हो जाता है ये यहाँ पर। और मैंने इसको अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पर जो वो रिसीवर को लगा दिया है। अब ये लाइट जो ब्लिंक कर रही थी ना, वो अगर लाइट ब्लिंक करना बंद कर दे तो आपका जो ये कनेक्ट हो जाता है। और ये वाली जो लाइट है, ये वाली लाइट ग्रीन, अगर इसकी ब्लिंक करना बंद करके ग्रीन इस तरह से जली रह जाए, इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुकी है अपने रिसीवर से। तो इसको लगा दीजिए आप अपने माइक्रोफोन को, छोटा सा ही है ये। अब मैं फटाफट इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। देखिए कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, सीधा जस्ट आप एज इट इज यहाँ से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देख सकते हो मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया है, और ये इस समय जब वो माइक्रोफोन अच्छे से काम कर रहा है। इसके अंदर कुछ सारे फीचर्स भी हैं जो डबल टैप के, ट्रिपल टैप के, और काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। देखिए नॉइस कैंसिलेशंस के लिए आपको इसको एक बार के लिए दबाना है, तो ये पहले लेवल की नॉइस कैंसिलेशन स्टार्ट कर देता है। जब आप इसको दो बार दूसरी बार फिर दबाते हैं, तो दो बार की जो वो नॉइस कैंसिलेशन इसने स्टार्ट कर दी है। और आप इसको एक बार फिर दबाते हैं, मैं अंधेरे में हो जाता हूँ थोड़ा सा, एक बार फिर दबाते हैं तो देखिए 3 बार ब्लिंक करता है, यानी 3 बार की नॉइस कैंसिलेशन हो गई है। अब आप नॉइस कितना महसूस कर रहे हैं, एक बार फिर से दबाएंगे, एक बार प्रेस करने है तो ये आपका नॉइस कैंसिलेशन बंद कर देता है। तो इस तरह से इसका नॉइस कैंसिलेशन सिस्टम वर्क करता है। अब मैं माइक से दूरी की अगर टेस्टिंग की बात करना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी दूर से मैं ट्राई कर सकता हूँ आपके लिए कि दूर से ये कैसा वर्क करता है माइक्रोफोन आपका। मेरे को तो जो मैंने इसका पहले इनिशियली यूज़ करके देख लिया एक बार के लिए, तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ पर लगाऊँ मैं इसको मेरे भाई, मैं कहीं दिखाने के चक्कर में आपको अपने फ़ोन को ना गिरा बैठूं। तो अभी जो वो मैं लगभग उधर मुँह करके चल रहा हूं, और जो इसकी दूरी की बात करूं मैं, तो दूरी की बात होगी ये लगभग 30 फीट जो मैं दूर आ चुका हूं इससे। तो 30 फीट की दूरी पर मेरे ख्याल से माइक से आवाज़ अच्छे से आ रही होगी आपको। और इसके अंदर देखो एक ऑप्शन दिया गया है डबल टैप करने का, अगर आप इसको एक दो बार अगर आप इसको दो बार क्लिक कर देते हैं तो ये हो जाता है मेरे भाई म्यूट। और अगर आप इसको म्यूट हटा करके और इसकी आवाज़ को जो है एको करवाना चाहते हैं, तो 3 बार जब वो इसको बटन को दबाना है, 1 2 3, और अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एको जब वो करना शुरू कर देता है, यानी गूंजना शुरू हो जाता है। तो ये वाले प्रोडक्ट की आपको अनबॉक्सिंग अच्छी लगी तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब, घंटी दबा दो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के फटाफट जब वो परचेज कर लो इस प्रोडक्ट को, अगर आपके लिए यूजेबल है, आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं अपने फ़ोन वगैरह से, फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छे से फिट होता है, कैमरा वगैरह में सेटअप नहीं होता है, किसी ऐप को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है।